हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं बात पते की। उत्तरकाशी में रेस्क्यू की कामयाबी के बाद ऑस्ट्रेलियाई टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स सुरंग के पास बने बाबा बौकनाथ के अस्थाई मंदिर में पूजा करने पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता को एक चमत्कार बताया। और बाबा बौकनाथ का धन्यवाद किया। ऑस्ट्रेलिया से आई टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने उत्तरकाशी की सिल्कियारा टनल में हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को एक चमत्कार बताया और बाबा बौकनाथ का धन्यवाद करने की बात कही। I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened. Because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. आर्नोल्ड डिक्स 41 मजदूरों के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद एक बार फिर टनल के मुहाने पर बने बाबा बौकनाथ के अस्थाई मंदिर पहुंचे और प्रार्थना की। वो काफी देर तक वहां घुटनों के बल बैठे रहे। उन्होंने वादा किया था कि वो मजदूरों के बाहर आने पर धन्यवाद करने बाबा बौकनाथ के पास आएंगे। इसके बाद आर्नोल्ड डिक्स ने वहां सेल्फी ली और वीडियो भी रिकॉर्ड किया। इससे पहले भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच आर्नोल्ड डिक्स एक वक्त निकालते और टनल के पास बने बाबा बौकनाथ के इसी मंदिर में पूजा करते, कभी पुजारी की उपस्थिति में तो कभी खुद ही हाथ जोड़कर आर्नोल्ड डिक्स वहां बैठे दिखाई देते। उत्तरकाशी के सिल्कियारा टनल में चले रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले दिन से ही आस्था का अलग स्थान रहा। टनल के पास बाबा बौकनाथ का अस्थाई मंदिर स्थापित किया गया, जिन्हें पहाड़ों का रक्षक भी माना जाता है। और इसीलिए टनल में फंसे 41 मजदूरों की सलामती के लिए भी बाबा बौकनाथ से प्रार्थना की गई। टनल के पास पुजारी रामनारायण ने बाबा बौकनाथ का अस्थाई मंदिर स्थापित किया। चट्टानों को चकनाचूर करने के लिए बाबा बौकनाग में अटूट आस्था लोगों का सहारा बनी। सीएम धामी जितनी बार सिल्कियारा टनल पहुंचे उतनी बार बाबा बौकनाग का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी वहां पूजा अर्चना की और रेस्क्यू टीम का हौसला बढ़ाए रखा। जो भी रेस्क्यू का जायजा लेने आया उसने बाबा बौकनाग के आगे मस्तक जरूर झुकाया। बताया गया कि टनल बनने से पहले यहां बाबा बौकनाग का मंदिर था, जिसे तोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने मंदिर के तोड़े जाने को ही हादसे की वजह बताया। जिस समय मंदिर टूटा है उसी समय जो है टनल धसका है और हमारे 41 लोग वह टनल के अंदर फंसे हुए हैं। लोगों ने इसे बाबा बौकनाथ की नाराजगी से जोड़ा। वहीं संयोग भी ये रहा कि मंदिर के रास्ते से हटाए जाने के बाद टनल हादसा हो गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह हादसा बाबा बौकनाथ की नाराजगी की वजह से ही हुआ था और अब सरकार ने टनल के पास ही बाबा बौकनाथ का मंदिर बनवाने का फैसला भी लिया है, जिन्हें पहाड़ों का रक्षक माना जाता है। सिल्कियारा टनल के पास बाबा बौकनाथ का मंदिर गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच पड़ता है। ऐसे में गंगोत्री से भी महिलाएं मजदूरों की सुरक्षा की कामना करने पहुंची थीं। 17वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ और जीत का शंखनाद सुनाई पड़ा। इसके बाद सरकार ने उस फैसले का ऐलान किया जिस पर इस पूरे रेस्क्यू के दौरान हर किसी की आस्था टिकी थी। हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहां पर बनेगा, बाबा बौकनाथ की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड होगा। टनल के पास मंदिर स्थापित करने वाले पुजारी ने बताया कि कैसे उन्होंने बाबा बौकनाथ से 41 मजदूरों को जीवन दान देने की प्रार्थना की। तो हमने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा जो हमारे 41 आदमी की जो प्राणी अंदर फंसी हुई है वो सुरक्षित बाहर रखे, तब हम आपकी मनोकामना पूर्ण समझेंगे। इन 17 दिनों में रेस्क्यू टीम की मेहनत के साथ साथ आस्था इसी तरह वहां मौजूद हर व्यक्ति को संबल देती रही। स्थानीय लोगों से लेकर विदेशी एक्सपर्ट तक प्रकृति से ये प्रार्थना करते रहे कि मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएं। दीपावली के दिन उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे ने मजदूरों के घरों में अंधेरा कर दिया था, लेकिन कल जब 41 मजदूर 17वें दिन सुरक्षित बाहर आए तो इनके गाँव घर में जैसे दिवाली लौट आई और परिवार वालों की आंखें खुशी से चमक उठी। सिल्कियारा सुरंग में फंसे झारखंड के 15 मजदूरों में एक महादेव नायक भी थे। जब पश्चिम सिंहभूम में उनके गांव में ये खबर पहुंची कि वो टनल से सुरक्षित बाहर निकल आए हैं तो वहां 17 दिन बाद दिवाली मनाई गई, पटाखे जलाए गए, मिठाइयां बांटी गई। झारखंड के गिरिडीह के श्रमिक विश्वजीत और सुबोध के गांव में भी जश्न का माहौल दिखाई दिया। जहां 17 दिनों से सब गमगीन था वहां आतिशबाजी हो रही थी। रेस्क्यू के सफल होने की खबर ने मजदूरों के परिवार वालों के चेहरे पर ऐसी खुशी बिखेर दी जैसे कोई खोई हुई कीमती चीज वापस मिल गई हो। 17 दिन तक अंधेरे में कैद रहने के बाद उन घरों में रोशनी लौटी जिनके चिराग सुरंग के भीतर दिन का उजाला देखने को तरस गए थे, लेकिन आखिरकार सिल्कियारा की सुरंग से अंधेरा छटा और उसकी रोशनी मजदूरों के घरों तक खुशखबरी के साथ पहुंची। सिल्कियारा टनल में फंसने वालों में सबसे ज्यादा झारखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के मजदूर थे। मंगलवार रात जब मजदूर एक एक कर बाहर निकले तो 12 नवंबर की अमावस श्रमिकों के परिवार के लिए पूर्णिमा में बदल गई।
बिहार के छपरा के रहने वाले श्रमिक सोनू के टनल से बाहर आते ही परिवार में जैसे जान लौट आई। श्रमिक सोनू की मां ने रेस्क्यू टीम के सदस्यों का शुक्रिया किया। तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो मेरे बच्चे समान है, वो मेरे बच्चे को निकाल दिया। सिलक्यारा टनल में यूपी के लखीमपुर के रहने वाले मनमीत भी फंसे थे, जो अपनी माँ के इकलौते बेटे हैं। बेटे पर आई मुसीबत ने घर को सूना कर दिया था। हमको बहुत खुशी है, आज हम दिवाली आज मनाए हैं। कोई लगातार पूजा कर रहा था तो कोई 17 दिन की बेचैनी समेट कर गहने गिरवी रख उत्तरकाशी पहुंच गया, तो कई परिवार ऐसे भी थे जिनकी दिवाली तब मनी जब बेटों की आवाज सुन ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचे, जहां विक्टोरिया हाउस के सामने उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। रैली में जुटी भीड़ देख अमित शाह ने कहा कि 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार तय है। अमित शाह ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में अब रविंद्र संगीत की जगह बमों के धमाकों की आवाजें आती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर हाल में बंगाल में सीएए लागू करके रहेगी। जो बंगाल साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, अध्यात्म, उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व करता था, वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर रख दिया है। जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो, वहां कभी विकास हो सकता है क्या? इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है। ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अगले साल एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजेगी। भारत दौरे पर आए नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने ये जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक स्पेस स्टेशन पर भेजे जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का चयन इसरो करेगी। इसके बाद उसे अमेरिका में नासा के हेडक्वार्टर्स में जरूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद अगले साल यानी 2024 में उस अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। 1984 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद ये दूसरा भारतीय नागरिक होगा जो अंतरिक्ष की सैर पर जाएगा। हालांकि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी स्पेस में जा चुकी हैं, लेकिन वो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। साथ ही नासा ने कहा कि वो भारत को स्पेस स्टेशन स्थापित करने में भी पूरी मदद करेगा। यही नहीं, नासा और इसरो अगले साल की पहली तिमाही में अपना पहला ज्वाइंट सैटेलाइट निसार लॉन्च करेंगे। नासा चीफ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई भी दी। भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप पहली बार $4 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंचा। भारतीय शेयर बाजार में BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार $4 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच गया। दुनिया भर के शेयर बाजारों में $4 ट्रिलियन से ज्यादा मार्केट कैप क्लब में अब तक अमेरिका, चीन और जापान ही शामिल थे, लेकिन अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। अमेरिका के कई राज्यों में भारी बर्फबारी देखने को मिली। पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और क्लीवलैंड में बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई। शहर में भारी बर्फबारी के चलते सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए। जापान के निजमा आइलैंड पर ज्वालामुखी से निकले धुएं और लावा को देख आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। ज्वालामुखी में विस्फोट के खतरे को देखते हुए कोस्ट गार्ड और दूसरी एजेंसियों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। पेरू में लगातार बारिश की वजह से गलियां तालाब में तब्दील हो गईं, तो वहीं कई घरों में पानी घुस गया। लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। Z News.